हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर सेफ इन दिस पैंडेमिक एंड फोकसिंग ऑन स्टडी टू। आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली स्टे इनसाइड विद योर पेरेंट्स एंड अवॉइड प्लेइंग आउटसाइड। लेट्स स्टार्ट आवर स्टडीज एंड टुडेज टॉपिक इज एडिशन विद कैरिंग। टुडेज टॉपिक इज एडिशन विद कैरिंग। सो स्टार्टेड, टेक एन एग्जाम्पल। What is the sum of 284 and 526? Okay. Firstly, write the digits having the same place value on below the other. Okay. Here, three digits. Our addends are three digit numbers, so we write here 100, tens and ones. Clear? Now 284 and 526. Addends are 284 and 526. हमें addends दिए गए। हमारे जो ये 284 है इन्हें हम addends कहते हैं। ये दोनों क्या हैं? एडेंट्स हैं। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें सम फाइंड आउट करना है। क्लियर? हियर फर्स्टली वी स्टार्टेड फ्रॉम यूनिट कॉल्यूम, यूनिट प्लेस। 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। वी राइट हियर 10 का 0 हमने लिखा, 0 इन यूनिट प्लेस एंड डिग्रुप विद टेंस कैरी ओवर 110। ओके, 110 जो हमारा है उसे हम टेंस प्लेस पे कैरी ओवर करेंगे। क्लियर? 8 टू 10 एंड एड द कैरी 11। 11 का हमने 1 लिखा। क्लियर? 11 टेंस में 110 कीप इन टेंस कॉल्यूम एंड 100 डिग्रुप विद 100। ओके, after that we add the hundreds in 100 place, 5 + 2 + 1 is equal to 8. Here the sum of 284 and 526 is 810. This is the sum. Okay, we write here the sum of 284 and 526 is 810. Clear? जब हम ones place को add करते हैं तो वो जो carry हम लेते हैं वो carry कहाँ जाता है? उसे हम tens place पे carry over the tens after carry over the 100. जब हम tens place को ऐड कर लेते हैं तो जो हम कैरी करते हैं वो हम 100 प्लेस पे ले जाते हैं और उसे 100 प्लेस के साथ ऐड करते हैं। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस हमने ये एडिशन कंप्लीट किया। हमारा सम जो है वो 810 है। क्लियर? कम टू योर एक्सरसाइज इन पेज नंबर 50। इन द प्रोसीजर रिमेन्स द सेम फॉर द फोर डिजिट ऑल्सो। जो हमने थ्री डिजिट के लिए जो प्रोसीजर यूज़ किए हैं, वही सेम प्रोसीजर किस में होते हैं? फोर डिजिट्स में भी होते हैं। तो हमें फोर डिजिट नंबर्स को भी हम वैसे ही कैरी करेंगे जैसे हमने थ्री डिजिट को किया। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ वी राइट हियर 1538 एंड 2727, ओके, एंड एड देम हियर वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड प्लेस। ओके, बिकॉज ऑफ ये फोर डिजिट नंबर है और हमने अभी थ्री डिजिट नंबर्स को सॉल्व किया था। हियर दीज आर एडेंट्स, इन्हें एडेंट्स कहेंगे, ये आप माइंड में रखना। क्लियर? हमें सम फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ही फर्स्टली स्टार्टेड फ्रॉम
वंस कॉल्यूम, 8 + 7 = 15, 15 का हमने 5 यहाँ लिखा, वी कीप 5 इन यूनिट्स कॉल्यूम एंड रिग्रुप 110 टू द टेंस कॉल्यूम, मीन्स कैरी ओवर कहाँ करेंगे हम, टेंस कॉल्यूम पे करेंगे, तो हमने 1 जो है वो टेंस कॉल्यूम पे कैरी ओवर किया. अगेन 3 to 5 एंड 1 is 6. नेक्स्ट 5 + 7, 5 + 7 = 12, 12 का हमने 2 लिखा, सेम एज कीप 2 इन हंड्रेड्स कॉल्यूम एंड 1 इन थाउजेंड कॉल्यूम, हमने जो हमें 100 प्लेस पे है हमें 2 को रखना है और 1 इन थाउजेंड कॉल्यूम. ओके, हियर 2 + 1 = 3 एंड 1 = 4, क्लियर, द सम इज 4265, क्लियर एडिशन. तो आपको अपना एक्सरसाइज जो है ऐसे ही कंप्लीट करना है, सम क्वेश्चंस फॉर यू कैरी करना है, 4-digit नंबर, सेम प्रोसीजर. इन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 51, फाइंड द सम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम. हियर गिवन क्वेश्चन इज 4,323 + 4,893 + 1,034. इन क्वेश्चंस को आप अरेंज द गिवन नंबर्स इन वर्टिकल ऑर्डर एंड ऐड, आप वर्टिकल ऑर्डर में इसे अरेंज करके तब ऐड कर सकते हैं, जैसा कि आप कैरी ओवर कर रहे हैं सेम वैसे ही होगा. हियर वी राइट हियर फाइंड द सम, क्लियर. क्वेश्चन नंबर 1 से 4,323 + 4,893 + 1,034. फर्स्टली अरेंज द गिवन नंबर्स इन वर्टिकल ऑर्डर, 4,323 - 4,893 - 1,034. राइट द प्लेसेस, वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड, क्लियर, ऐड देम, दिस इज द साइन ऑफ प्लस. हियर 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, 0, कीप 0 इन यूनिट कॉल्यूम एंड रिग्रुप 110 टू द टेंस कॉल्यूम, 110 को हम कहाँ रिग्रुप करेंगे, टेंस कॉल्यूम पे करेंगे. अगेन 9,312 - 14 एंड 1 = 15 का हम क्या करेंगे यहाँ, 5. हियर वी 5 इन टेंस कॉल्यूम एंड 1 इन हंड्रेड, कैरी ओवर द हंड्रेड्स. ओके, हियर 8,311 एंड 1 = 12 का हमने 2 लिखा, अगेन कैरी ओवर द थाउजेंड, 4 + 4 = 8 + 1 = 9 एंड 1 = 10. ओके, दिस इज द सम, ये जो थे आपके एडेंड्स थे, जो नंबर जिन्हें नंबर हम जोड़ते हैं जिन नंबरों को उन्हें हम क्या कहते हैं, एडेंड्स कहते हैं, और जो जो रिजल्ट हमारा होता है उसे हम सम कहते हैं, क्लियर. तो ये आपका सम हुआ. आफ्टर दैट आपको अकॉर्डिंग सेम एज आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं. फर्स्टली अरेंज द गिवन नंबर्स इन वर्टिकल ऑर्डर, आफ्टर दैट ऐड देम. ओके, इन नेक्स्ट पेज इन पेज नंबर 52 क्वेश्चन सेड अरेंज द गिवन नंबर्स इन वर्टिकल ऑर्डर एंड ऐड, पहले नंबर्स को वर्टिकल ऑर्डर में अरेंज करने हैं और ऐड करने हैं. हियर 4-digit नंबर, 3-digit नंबर, आफ्टर 2-digit नंबर, तो उन्हें पहले तो हम प्लेसेस के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज करेंगे, प्लेसेस सही रहेंगे. सी नेक्स्ट क्वेश्चन, 5,232
प्लस 342 एंड 70। क्लियर। इन्हें हम अरेंज करेंगे तो पहले तो हम टेंस अरेंज करते हैं वर्टिकल ऑर्डर में, 5, 2, 3, 2, फिर वो 3 डिजिट नंबर है और लास्टली 2 डिजिट नंबर। तो इन्हें हम ऐसे ही अरेंज करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। जो नंबर 1000 तक हैं, 3 डिजिट नंबर 100 तक रहेंगे और 2 डिजिट नंबर टेंस प्लेस तक रहेंगे। क्लियर। अब इन्हें हम ऐड करेंगे, 2 + 2 इज इक्वल टू 4, 3, 4, 3, 7 एंड 7। 14 का हम 4 लिखेंगे और 1 को हम कैरी ओवर द हंड्रेड्स। ओके, 3 to 5 and 1, 6, 5, 5। क्लियर। ये रहा हमारा सम जो हमने ऐड किया तो हमें आया। क्लियर। ऐसे ही आपको प्लेसेस सही रखने हैं, नंबर्स को उनके प्लेस पे अरेंज करने हैं, उसके बाद उन्हें ऐड करना है। क्लियर। तो ऐसे ही आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने हैं अरेंज करके वर्टिकल ऑर्डर में। फिर ऐड द फॉलोइंग है, इसे भी, इस नंबर को भी आपको ऐसे ही ऐड करना है। इन नेक्स्ट क्लास वी टॉक अबाउट वर्ड प्रॉब्लम।